हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों ने टेस्ट सुनना हो तो पूरे टाइम के ऊपर, पूरे टाइम के ऊपर आप लोगों को उधर अवेलेबल होना है। ये नहीं है कि आंटी जी ना मैं कहूँ कि मुर्शद किधर है, ये किधर है, वो किधर है, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। सीधी बात है, ये ना हो कि आधी क्लास उधर बैठी हो, आधी क्लास कहे कि यार बाद में सुन ही लेंगे ना, कोई मसला नहीं है, अवेलेबल ही है ना। तो क्योंकि मैं ये चीज नोट करता हूँ कि जिस वक्त आपको बहुत फ्रीली चीज अवेलेबल होती है उस वक्त आपकी कदर कोई नहीं होती है। आप कहते हो कि यार कोई नहीं, बाद से सुन लांगे, रात पई है ना, हुन काम कर लिए, जाके सोन लगे सुन लांगे। तो ये वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि फौरन जो है वो मैंने हाइड कर देना है। दूसरा, चलो वो बात हम बाद में करेंगे, दूसरी पहले हम ये पढ़ाई वाली बातें कर लें। अच्छा जी, अब आ जाओ जनाब, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है। अब बच्चों, ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, मसल को ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट ज्यादा जोर से बीट कर रहा है, उस वक्त उसके हार्ट की डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी। सर जी जैन भाई को कह रहे कि वो टेस्ट मुझे तो प्रोवाइड कर दे, आई प्रॉमिस आई विल नॉट शेयर विद समवन एल्स। यार तुम्हारे तुमने दिया तो था टेस्ट तुकीर, तो अब क्या करना है? वो कोई मसला नहीं, बुक पे अंडरलाइन सैटरडे को करना, टेंशन ही नहीं है, परेशान क्यों होते हो? देखो टेंशन नहीं लेनी, 2 दिन में कुछ भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं होगा। 2 दिन में तुम सुख शांति के साथ जियोगे, ये मेरी दुआ है आपके साथ। अच्छा जी, तो अब देखो आप लोगों ने क्या कहना है, जब आपका हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट रेट या हार्ट बीट उसकी ज्यादा हो जाएगी बच्चों, तो उस वक्त उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा चाहिए होगी या कम चाहिए होगी? जल्दी करें, तो सिंपल सी बात है ना, उस वक्त आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी वो एक तरह की ज्यादा चाहिए होगी। और दूसरा मुझे आप लोगों ने बताना है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट जो है वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका हार्ट जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके अंदर जो आपको हार्ट को जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड जो चाहिए होगी वो ज्यादा चाहिए होगी कि कम चाहिए होगी? उसके अंदर भी ज्यादा चाहिए होगी। तो आप लोगों ने ये देखा, उसके बाद देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जनाब आप लोगों का एजुकेशन क्या कहते हैं यार, हॉस्टल मिनिस्टर है, ठीक है, ये छोटा सा दरवाजा है और आपका जो हॉस्टल मिनिस्टर साहब है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इस तरह खड़े हुए हैं और ये दरवाजे से उन्होंने गुजरना है, तो वो गुजरेंगे तो धक्का धुक्का लगाएंगे, फिर ही खुलेगा ना ये, ठीक हो गया? मतलब क्या है, ओ भाई अब मैंने क्या डिस्कस किया था कि हाँ जी जनाब यहाँ पे एक आफ्टरलोड होता है, आफ्टरलोड का काम क्या था कि बाहर फैसल को निकलने ना दे, लेकिन अगर यहाँ पे आफ्टर लोड बहुत ज्यादा फोर्स होगी तो हार्ट को ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा फ्लूड को बाहर निकालने के लिए। हाँ जी हॉस्टल हेड नहीं है जो आपका, उसकी हॉस्टल मिनिस्टर मतलब के यार यूसुफ भाई की बात कर रहा था। हाँ ठीक है, तो आप लोगों ने कहा ना कि जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा तो तब भी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया, अगर रास्ता तंग होगा। उसके बाद क्या, आफ्टर लोड की जब आफ्टर लोड ज्यादा होगा उसके बाद क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट का जो मसल्स है इनका साइज ही ज्यादा है, ओ भाई पहले इसको तो मसल सप्लाई मिले ना, तो इस कंडीशन के अंदर भी जोर ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये सारा कुछ होता है जिसके अंदर आप ये देखते हैं, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज्ड बाई कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हाई आफ्टर लोड, उसके बाद हार्ट रेट, डायमीटर ऑफ द वेंट्रिकल वाल टेंशन, ये सारा कुछ होता है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने देखना होता है कि वाल टेंशन का मतलब क्या होता है। बच्चों आप लोगों ने ये कहना है कि जितनी ज्यादा आपके ये वाल की थिकनेस होगी ना, मतलब क्या है, ओ भाई जितनी इसकी थिकनेस ज्यादा होगी ना इस हिस्से की, ठीक हो गया, ये इस हिस्से की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि आपको जोर उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक हो गया, वाल थिकनेस का ज्यादा उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये आपने याद करना है। अब हम आगे आते हैं, आगे आप लोगों को एक दो बातें जो मैं बता देता हूँ, एक ये इम्पोर्टेंट बात है, अभी मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाता हूँ, फिर ये वाली जो बातें ना इसको हम थोड़ी देर में देखते हैं, ये वाली बातें क्या है, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बल्कि कार्डिक आउटपुट देख लिया, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हम लोगों ने कितनी चीजें देखी थी, हम लोगों ने देखा था कि आपका एक तरह का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है,
हम लोगों ने देखा था कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि आपका एक तरह का ये चीजें देख ली थी, ठीक हो गया। अब मेरी बात को गौर करना है, जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसके अंदर तीन चीजों के कंसेप्ट को बहुत लॉजिकली सोचना है। एक इक्वेशन आती होती है, वो इक्वेशन कैसे होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, आपका हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसके अंदर पहले फ्लूड है 150 ml, उसको हम क्या कहेंगे, शाबाश। वो फ्लूअर जो बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, वो फ्लूअर जो कि बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, आपका प्रीलोड या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, यही कहेंगे ना। प्रीलोड आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया आपका एक तरह का, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना हो गया आपका एक तरह का, 150 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब वो 150 में से आपका 130 जो फ्लूअर है वो बाहर निकल गया, वो फ्लूअर जो आपका बाहर निकलता उसको हम क्या कहेंगे, वो फ्लूअर जो बाहर निकलता उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जो पीछे बचा कि नहीं बचा कॉन्ट्रेक्शन के बाद, द फ्लूअर विच इज प्रेजेंट इन टू द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट आफ्टर द कॉन्ट्रेक्शन, वो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब आपने कहा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी नॉट स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इसको हम ईसी भी कहते हैं, ईएस भी कहते हैं। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका कितना हुआ, जल्दी करें, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका कितना हुआ, हाँ जी, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका कितना हुआ, 20 हुआ। अब मेरी बात को गौर करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक वॉल्यूम को आप मालूम करना चाहें, आपके पास दो वैल्यू हो, अब देखें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से जब हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकाल दें तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, कैसे देख लें जी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बच्चों कितना था, 150 था ना, ऐसे था 150। उसके बाद एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था बच्चों, 20 था, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 130 था। 150 में से 20 निकाला कितना हो गया, 130 आ गया, और यहाँ पे कितना निकाला हुआ है, 130 आया हुआ कि नहीं निकाला हुआ, गलती समझ आई कि नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने किया क्या है। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर दिया सर ने, हाँ जी, आपने क्या कहना है, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम का पता चल गया, ओके शुक्र शुक्र, क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, देखो ये होती है पढ़ाई वाली बातें, कहते हैं ना अजमी और दूसरे बच्चे जब फार्म ग्रेजुएट होते हैं वो पढ़ते ही नहीं है, आप नहीं होगी, अभी तो हमने हीरे जवाहरात छुपा के रखे हुए हैं, ये जवाहरात कभी खिलेंगे और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह पता चलेगा आवाम को कि कितनी पढ़ने वाली कौम है ये। तो आप लोगों ने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसका क्या होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से जब हम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकालेंगे तो उसको हम क्या कहते होते हैं, एक तरह का स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। डेफिन इसकी इक्वेशन ये होती है, एक इक्वेशन अभी हम और देखेंगे क्योंकि आगे एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैंने करवाना है। थके तो नहीं थे ना, शाबाश जैन, दिल खुश किता मुबशर पुत्र। वाह जी वाह जैन, माशाल्लाह बड़ी गल है। यार ये सारे बंदे जैन को अप्रिशिएट करो अब आप लोग को पता नहीं क्यों अप्रिशिएट करना है, हम लोग काफी देर से यार एक चैनल के पीछे लगे हुए थे, अब वो बन गया हमारा, तो इस वजह से मतलब के सब्सक्रिप्शन वाले हिसाब से कह रहे थे। 24 days पे है जिंदगी, मतलब है हाँ मैंने कहा पता नहीं क्या, तो वाकई बहुत मेहनत करते रहे यार, वाकई अप्रिशिएट करना बनता है। कांग्रेचुलेशंस कांग्रेस। अच्छा जी, तो
हमजा, आपकी मोहब्बत थकने नहीं देती। ठीक हो गया कादी साहब। अच्छा जी, अब हम वाकई यार देखो, कोई भी अगर एक प्लेटफॉर्म रन होता है तो उसमें एक एक इंडिविजुअल का बहुत ज्यादा हाथ होता है। हाथ होने का मतलब ये होता है कि वो एक एक जो भी इंडिविजुअल होता है उसका, आप ये कह सकते हो कि उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है, वो कोई भी इंडिविजुअल हो, और वो स्ट्रगल्स को बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं ना कि एक चंगा प्लेयर जेड़ा होंगे है ना, वो पूरी टीम को नहीं जिता सकता, टीम को जिताने के लिए हर बंदे की इंडिविजुअल प्रोग्रेस जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। तो ये प्लेटफॉर्म भी हर ऐसे ही होते हैं। इसमें जनाब जो मीडिया का बंदा है उसका अपना रोल होता है, जो पढ़ाने वाले बंदे होते हैं उनका अपना रोल होता है, जो मटीरियल कलेक्ट करने वाले बंदे होते हैं उनका अपना होता है, कुछ बंदे मतलब पब्लिसिटी के लिए भी, सीधी बात है, कुछ बंदे पब्लिसिटी के लिए भी होते हैं, लेकिन अभी मैंने उतना प्रॉपर पब्लिसिटी वाला सीन नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह मीडिया वाला बंदा ही है जो मेन पब्लिसिटी करता होता है, जो बताता है किसी को कि यार इस तरह हमारा सेशन है, ये है, किसी ने ज्वाइन करना हो तो कर लीजिएगा। जैसा कि आप में से बहुत बच्चे जो न्यू है, आप लोगों को नहीं पता था हमारा, लेकिन अब अभी आप लोगों ने हमारा जो है प्लेटफॉर्म जो है वो ज्वाइन किया, और होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने जो है पैसे दिए हैं वो हलाल जगह पे दिए हैं, और आप लोगों के पैसे जो है वो हलाल होंगे, लेकिन हम लोग हलाल करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों ने बस हराम नहीं करने, आप लोगों ने हमारे साथ तावन करना है। तो इनशाला जब आप इधर से निकलोगे तो आप लोगों को बहुत कुछ आता होगा। मैं आप लोगों को कई दफा कहता हूँ, कुछ चीजों का टाइम आपको बाद में रियलाइज होता है बच्चों, अभी आप लोगों के पास बहुत गोल्डन टाइम है, अभी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी आप थर्ड ईयर के अंदर कोई होगा, फोर्थ ईयर के अंदर होगा, यकीन करो पढ़ लो और इंजॉय, मैं कहता हूँ फुल एंजॉय करो, जो करना है वो करो, सेंटर जाना पढ़ो, जो लेक्चर दे रहा हूँ उनको सुनो ठीक है, उसके बाद 15-20 मिनट पढ़ो, बाकी कॉलेज का आपका चलता रहेगा, वो सीन चलता है, उसके बाद जो एंजॉय आपने करना है, बाहर जाना है, खाना पीना है, रोटी जो करना है, वो जो आपकी लाइफ में है उसको रेगुलर रखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन पढ़ाई को भी अपने माइंड में लेके आना है, क्योंकि जब आप उधर से बिल्कुल एमए आते हो तो आप यहाँ पे भी एमए हो जाते हो, ठीक है। एमए होने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे अकेडमीज में जाते हो तो, अब फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई भी ऐसी अकेडमी नहीं है जो कि फिजिकल क्लासेस ले रही हो और उसकी फी जो है वो तकरीबन 60,000 से कम हो, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट जो सबसे अच्छी अकेडमी है, जो मैं खुद भी कहता हूँ यार वो अच्छी होगी, मतलब के वो 4 महीने का तकरीबन कोर्स या 4.5 महीने का कोर्स देती है, और उनकी इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल में क्लासेस की जो फी है वो 85,000 के राउंड अबाउट है, 80 से 90 हज़ार के राउंड अबाउट है, ठीक हो गया। तो अब 80,000 कहाँ और अब 10 कहाँ, मतलब कि हम 10 गुना पीछे हैं उनसे पैसों में। लेकिन मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि यहाँ पे ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, आपको जहां पर जो कंफ्यूजन हो, आपने पूछना हो, मैं 1,000 दफा आप पूछोगे ना मुझसे तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन वहां पे इस तरह का सीन नहीं होता। अब मैं